नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में कांग्रेस के द्वारा एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने मधुमिलन चौराहे से बछड़े को बैलगाड़ी पर बिठाकर रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद थे। इंदौर के पेडमी गौशाला में गायों की मौत को लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मधुमिलन चौराहे से बैलगाड़ी पर बछड़े को रखकर रैली निकाली गई। ये रैली रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने समाप्त हुई। यहां पर कांग्रेस नेताओं ने बछड़े से गांधी प्रतिमा को ज्ञापन दिलवाया। इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार गाय के नाम पर वोट जरूर मांगती है, लेकिन गाय की देखभाल करने में पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी सहित कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भी शामिल थे। इस दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गायों की हत्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सांसद शंकर लालवानी ने भी निशाना साधते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर राम मंदिर और राम सेतु का विरोध करती आई है। शंकर लालवानी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नौटंकी करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी ने गाय की रक्षा के नाम पर कई लोगों के अलग अलग स्वरूप में हत्याएं की है, हमने सबने देखा है, सुना है। अब जब बारी आई गाय को लेकर उनके दायित्वों का निर्वाह की, तो हजारों की तादाद में इसी प्रदेश में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, भोपाल में, इंदौर में और कई शहरों में गाय की हत्या हुई है। बजट आया, 1.60 रुपया गाय की सुरक्षा और रक्षा के लिए, उसके राशन के लिए रखा गया, इसी सरकार ने रखा। अब हमने मांग की कि 25 रुपया होना चाहिए, तो भी हठधर्मिता है, 25 रुपया नहीं किया। गौ सेवकों को नियमित नहीं किया, ये अपने आप में सरकार की करनी को बताते हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि शिवराज जी, सिर्फ राजनीति मत करो, गाय की सुरक्षा को लेकर निर्णय लो, कदम उठाओ, हम आपके साथ हैं। जहाँ तक प्रश्न है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसिज्म करके ही हम अपने दायित्व का निर्वाह कर दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। हर विधायक को, हर सांसद को, हर जनप्रतिनिधि को, सार्वजनिक जीवन जीने वाले को मैं मानता हूँ कि गाय की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और एक भावना भी है कि गाय पर राजनीति न हो, गाय पर सेवा के स्वरूप की भावना हो, और जनप्रतिनिधि का और सरकार का एक दायित्व है, वो निभाएं। जैसा सज्जन वर्मा जी ने कहा अभी अपने भाषण में कि गाय की हत्याओं पर मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी, उनकी बात में अपना सहयोग करती है, उनकी बात में अपने सुर मिलाती है। पेड़मी में जो हुआ वहाँ पर बिल्कुल होना चाहिए। आपने क्या किया, शिवराज जी हर बार भाषण देते थे, निर्णय कुछ निकलता नहीं है, किसी को सजा मिलती नहीं है, गाय की हत्या होती रहती है, भाषण सुनते रहते हैं, तो कुछ तो हो। इस मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के नेतृत्व में एक निर्मोही सरकार चल रही है। गौ माता के नाम पर राजनीति करके, धर्म के नाम पर राजनीति करके आज आपने देश में और मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई हैं, लेकिन आज जब गौ माता के संरक्षण की बात आती है, बीजेपी आखिरी पायदान पर खड़ी मिलती है। आज ऐसा कौन सा जिला नहीं है जहाँ पे गौ माता मर नहीं रही है। गौशालाओं में इतनी दुर्व्यवस्था है, हम खुद देख के आए पेड़मी की गौशाला में, इंदौर की 250 गाय मर गई, हमारे जाने की खबर लगी, जेसीपी से गड्ढे खोद के उनको तत्काल जमीन समतल कर दी। जब हम गौशाला के अंदर घुसे तो कम से कम 75 गाय खुले में, धूप में, कहीं पानी नहीं, कोई छत नहीं, बुरी हालत में थी। जब अंदर की गौशाला में गए, 5 गायें जमीन पे लौट के तड़प रही थी, ना कोई डॉक्टर था ना उस गौशाला के संरक्षक लोग थे। तो ये दशा गाय की भाजपा के शासनकाल में हो रही है। आज हमने मांग की है कि शिवराज चौहान पे गौ माता की हत्या का प्रकरण चलाया जाए। समय समय देखा, नौटंकी करती रहती है ये वो कांग्रेस की जो राम मंदिर के खिलाफ थी, ये वो कांग्रेस की जो समय समय पर ये जो हमारा राम पथ है, राम सेतु है, उसके खिलाफ बोले, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो कांग्रेस है ये नौटंकी करती है और वो नौटंकी का एक भाग है आज जो भी कर रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।